हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी जियन पॉइजन कल मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर से कब मीट करेगा। तो सेंट्रल प्लेन में जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होने की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर कई महीनों तक जियन को ढूंढने लगी थी। और इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत लोगों से पंगा भी ले चुकी है और इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन शील्ड भी टूट चुकी थी। और यह सब बातें जियन को बताते है जियन का पुराना फ्रेंड रुई किंग। और लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में यह सब बातें सुन के जियन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद जियन सिलन से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए सिलन के क्लैन में आ जाएगा। फिर जियन सिलन से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में सब कुछ जानने के बाद जियन सिलन को लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। फिर जियन इस सफर के दौरान सिलन को बताता है, तुम तो ठीक हो मगर लिटिल फेरी डॉक्टर को क्या हो गया। तब सिलन जियन को बोलते है, तुम हम लोगों से बिछड़ जाने के बाद से हम लोग सभी मिलकर तुमको ढूंढने के लिए निकल गए थे, मगर तुमको ढूंढते ढूंढते एक दिन हम लोग मुसाकिन पहुंच गए थे। और वहां पर जाते ही वहां के लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रही थी लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में। और लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में गंदे गंदे पते सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ के सारे लोगों को मार देती है। और इसी वजह से वहाँ के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और उसके बाद वो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है। और इस किंग का पावर लेवल था 1000 की 6 स्टार। और इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और उनके बीच बहुत शानदार फाइट होती है। और इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर अपने शील्ड को भी तोड़ देती है उस किंग को मारने के लिए। मगर जब लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन शील्ड हार जाती है, सभी लोगों को पता चल जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वो पॉइजन बॉडी है, क्योंकि एक टाइम में सेंट्रल प्लेन में बहुत ही बुरा तबाही मचा था वो पॉइजन बॉडी की वजह से। और उसके बाद वहाँ पे इतना सारे लोग देख के लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे वहाँ से चला आने के लिए बोलती है और इसीलिए मैं भी वहाँ से अपने क्लैन में चली आई थी। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी के बारे में आइस रिवर वैली को भी पता चल जाता है। तब आइस रिवर वैली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इस वैली के पास एक सीक्रेट मेथड है जिस वजह से किसी के बॉडी में दूसरों की सोल को डाल सकते है। और साथ ही इस वैली के पास दूसरा टेक्निक भी है जहाँ पर किसी की पावर को एक फेक कॉपी भी बना सकती है। और इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को एक्सपेरिमेंट करके लिटिल फेरी डॉक्टर की फेक पावर देने के लालच में आइस रिवर वैली में लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ गया था। और उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और आइस रिवर वैली के बीच में बहुत बुरी फाइट हो चुकी थी। मगर इस फाइट में मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की कुछ भी मदद नहीं कर पाई और ये जियन को बोलते ही सिलन रोने लगती है। तब जियन सिलन को बोलता है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। उसके बाद जियन सिलन को बोलता है, अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की कोई भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? तब सिलन हाँ बोलती है और जियन को लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बता देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले लिटिल फेरी डॉक्टर के खत सिलन को मिली थी और इस खत में लिटिल फेरी डॉक्टर अपने लोकेशन के बारे में मुझे बताई थी। फिर सिलन जियन को बोलती है, मगर अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर जहाँ पर है उसके बाहर में आइस ट्रिमर वाली लिटिल फेरी डॉक्टर को चारों तरफ से घेर रखी है और इस जगह के नाम है फॉरेनर्स एंट्री। उसके बाद सिलन जियन को जल्द ही जाने के लिए बोलती है, नहीं तो लिटिल फेरी डॉक्टर को आइस ट्रिमर वाली ढूंढ लेगा। उसके बाद जियन और सिलन वहाँ से बहुत ही जल्दी चला जाते हैं। फिर जियन को वॉरियर्स के बावजूद नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता है जहाँ पर आइस ट्रिमर वाली के 2000 लेवल की 6 स्टार की बंदा और 2000 लेवल की 4 स्टार की बंदा आए थे। और इन पावरफुल बंदों के साथ बहुत सारे वॉरियर्स भी आए थे लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए। मगर इतना वॉरियर्स देख के भी जियन कुछ भी नहीं कहते है। उसके बाद जियन सिलन को लेकर सीधा वैली के अंदर चले जाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर सिलन के पास एक माउस होती है जो सिलन को लिटिल फेरी डॉक्टर ने दिया था। और ये माउस कंटिन्यूअसली लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में सिलन को इन्फॉर्म कर रही थी और ये माउस जिस डायरेक्शन को दिखा रही होती है जियन और सिलन उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगते है। उसके बाद जियन और सिलन जितना ही आगे बढ़ते है उतना ही धीरे धीरे पॉइजन काफी ज्यादा बढ़ जाते है। मगर फिर भी जियन को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जियन के पास है ग्लास फ्लैम। मगर तभी वो माउस एक पॉइंट में आके रुक जाती है। तभी जियन की नजर एक बुट्टा के ऊपर पड़ता है जो गुफा की तरफ देख के बोलता है, अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, आइस ट्रिमर वैली तुमको बहुत ज्यादा खतरतरी करेगा। तभी जियन की नजर उस कैप के ऊपर पड़ता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए खड़ी हुई थी और जियन लिटिल फेरी डॉक्टर को जिंदा देख कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे बहुत सारे 1000 लेवल के वॉरियर्स आ जाते हैं जो आइस ट्रिमर वैली के एल्डर्स थे। मगर फिर भी जियन को कोई डर नहीं था क्योंकि अभी के लिए जियन के पास है सीक्रेट मेथड और अभी के लिए जियन की पावर लेवल है 1000 और जियन के साथ ही जियन के अल्टीमेट पपेट भी 1000 के 7 स्टार पे पहुंच चुकी है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कहते हैं, अभी के लिए हमारे पॉइजन तुम्हारे बॉडी के अंदर घुस चुके हैं और अभी के लिए तुमको अगर एंटीडोट ना मिले तो तुम यहाँ पर ही तरफ तरफ के मर जाओगे, तो इसी वजह से तुम चुपचाप हमारे साथ आइस ट्रिमर वैली चलो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं, मैं मरना पसंद करूंगी मगर मैं मरने से पहले अपने पॉइजन बॉडी को ब्लास्ट कर दूंगी। और लिटिल फेरी डॉक्टर की यह बातें सुन के एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मगर अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब होने की वजह से फाइट ना करके ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से भागने लगती है। मगर फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर ज्यादा दूर भाग नहीं पाती है क्योंकि वो एल्डर एक फॉर्मेशन का यूज कर लिटिल फेरी डॉक्टर को फ्रीज कर दिया है और इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को लगती है वो अभी बच के नहीं भाग पाएगी।
लगी। उसके बाद लिटिल फेयर डॉक्टर एक हैंड साइन बनाने लगती है क्योंकि वो अपना बॉडी को ब्लास्ट करने वाली थी। मगर जब ये एल्डर देखता है तब वो लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर आकर हमला कर देता है और वो बहुत बुरी तरीके से लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और इसी वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर अपने शील्ड को नहीं तोड़ पाती है। मगर एल्डर की अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर के मुंह से फूल निकलने लगी थी। मगर तभी वहाँ के जो बैरियर होती है वो टूट जाती है और वहाँ पर एक बंदा आकर गिरती है जो हमी के लिए मर गए थे। और इस बंदा को देख के वो एल्डर अपने चारों तरफ देखने लगते है जहाँ पर उनके सारे डिसेबल्स मर चुके थे। मगर तभी इस एल्डर की नजर आसमान में पड़ती है जहाँ पर जियान खड़ा हुआ था और जियान आसमान में दो डिसेबल्स की गला पकड़ के खड़ा हुआ था। लिटिल फेयरी डॉक्टर की नजर भी आसमान के ऊपर पड़ती है और लिटिल फेयरी डॉक्टर देखती है वहाँ पे जियान आ चुका है और ये देख के लिटिल फेयरी डॉक्टर के चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कान आ जाती है। और ऐसे ही जियान और लिटिल फेयरी डॉक्टर की मुलाकात होती है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।